वेलकम टू माय रोस्ट। और सबसे पहले मैं बेबिका जी को कुछ बोलना चाहूंगा। तो बेबिका जी इतनी नेगेटिव हैं, अरे यार, कि कभी कभी इस घर में रियल नेगेटिव एनर्जीज भी आए तो वो भी एक बारी को डर जाएंगी कि यार इस घर में कुछ तो नेगेटिव है। कुछ तो नेगेटिव है। बेबिका जी इतनी बड़ी फेस रीडर है, बहुत ज्ञान है उनको इन चीजों का कि लोगों के चेहरे पढ़ती है, उनके बारे में चीजें बताती हैं। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अपना चेहरा उन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाती होंगी कि अपना कौन सा चेहरा पढ़ूं, बुरे वाला या बहुत बुरे वाला। बहुत बुरे वाला। बेबिका इतनी बड़ी झूठी है कि अगर उससे आप टॉप 3 कंटेस्टेंट का नाम पूछेंगे तो वो अपना भी नाम इंक्लूड करेंगे। बेबिका इतनी डम है कि कभी कभी मुझे लगता है कि इनकी पॉजिटिविटी के साथ इनकी डिग्री भी नकली है। बेबिका के हिसाब से घर में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वो करती हैं, एक डांस और दूसरा नॉइज पोल्यूशन। आई एग्री। या अभिषेक जी। हां जी। कमिंग टू माय ब्रदर, माय फ्रेंड अभिषेक। एक बात को इतना ज्यादा रिपीट करता है भाई, उतनी बारी तो टीवी वाले सूर्यवंशम भी रिपीट पे निकला। अभिषेक में इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि अगर बाहर से भी शो को देख रहा होता और कहता यार डिजर्विंग तो मैं था, ट्रॉफी से क्यों दे दी। अभिषेक की फिनाले से 2 दिन पहले बिना किसी रीजन के खराब हो गई। भाई रुक तो जाता फिनाले तक, मैं तुझे रीजन भी दे देता। अभिषेक ने बाहर लाइफ में बहुत सारी चीजें करी हैं, वो यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्रामर हैं, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, और अब तो बिग बॉस OTT Season 2 का रनर अप भी है। कमिंग टू पूजा जी। जी मेन आपका। पूजा जी घर में इतना काम करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, कभी वॉशरूम करती हैं और छोटी छोटी चीजें जो कि दिखता भी है। वो ऐसा इसलिए नहीं करती कि उन्हें वो अच्छा लगता है, वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनको पता है कि एल्विश के घर में बहुओं से इतना काम कराते हैं। अगर पूजा जी से पूछा जाए कि घर में आपका गुस्सा कौन कंट्रोल कर सकता है, अभिषेक, एल्विश, बेबिका या मनीषा, तो उनका जवाब बिल्कुल सेम ही होगा। वो बोलेंगी ऑब्वियसली मेरी निकोटीन वाली च्युइंग गम्स। चूना चूना चूना, निकोटीन वाला चूना। हाँ लास्ट है, ये रोस्ट नहीं है बट कुछ है जो मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ इस घर में बहुत लोगों को आपसे बहुत सारे सवाल हैं, वो खुल के नहीं पूछ पाते, बहुत दिल के सवाल हैं, कुछ वैसे सवाल हैं। तो आज मैं अपने दिल की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। उसके बाद आती है हमारी मनीषा जी। मनीषा जी माई फेवरेट। लास्ट में जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, जिनके बिना बॉडी अधूरी है, वैसे मुझे लगता है मनीषा के अगर कान काट दिए जाएं तो भी उसकी बॉडी पूरी रहेगी, क्योंकि उसे सुनना तो तब भी नहीं पसंद और ना वो। मनीषा को दूसरों की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, उनको पता है कि वो उसे नहीं मिलेंगी, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि खाना, कोई सामान, मैं या बिग बॉस की ट्रॉफी। और बिग बॉस की ट्रॉफी आपको मिल जाएगी, मैं दूंगा आपको। वाओ। 2 मिनट के लिए दिखाने को। बिल्कुल हाँ। उसके बाद हाँ, मैं बहुत खुश हुआ था कि मनीषा टॉप 5 में आई। मैं बहुत दिल से खुश हुआ, इसलिए नहीं कि वो डिजर्विंग है, इसलिए कि कोई है जो मुझे चाय बना के पिला रहा है। वाओ। सेवाधारी। मनीषा इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उतना तो अभिषेक अपने फॉलोअर से भी नहीं है। और जाते जाते मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे सबको मैंने रोस्ट करा, तो एक रोस्टर का फर्ज भी बनता है कि वो अपने आप को भी रोस्ट करे। तो मैंने 3 लाइनें अपने ऊपर भी लिखी हैं कि मैं अपने आप को भी रोस्ट करूं, कि एल्विश यादव इज सो देसी कि वो अपनी वाइफ को बीच पे भी सूट सलवार पहनाएगा। बीच पे बीच पे। एल्विश यादव बिग बॉस के घर में इतना इंडल्ज हो चुका है कि वो बेड में भी वाइल्ड नहीं वाइल्ड कार्ड होगा। एल्विश यादव इज सो डम कि उसे लगता है कि मनीषा रानी वो डिजर्व करता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। वाह, थैंक यू। गुड वर्क।
लास्ट वन। निशा जी आप नेक्स्ट है।